तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर कार। अनदर कार देख रहे हैं हम, इनोवा हाई क्रॉस। ये इनोवा हाई क्रॉस का बेस वेरिएंट है, जो रिसेंटली 2023 में लॉन्च हुई थी इनोवा हाई क्रॉस। और ये उसका बेस वेरिएंट है GX। GX में आप 8 सीटर वेरिएंट देख रहे हैं, इसमें हमें 7 सीटर में मिल जाता, बट जो ये वाला आप 8 सीटर वेरिएंट देख रहे हो, ये हमें सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए मिलता है। इसमें स्पीड लिमिट वगैरह सब चीज एक रखी गई है उसी के अकॉर्डिंग, कमर्शियल के अकॉर्डिंग ही। और इसमें फीचर भी कुछ उसी अकॉर्डिंग मिलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। प्राइस में बता चुका हूँ, 19,72,000 एक्सोरूम प्राइस आ जाते हैं। व्हाइट कलर आप देख रहे हो। अब बात करते हैं फीचर्स की, BS6 फेज 2 नॉर्म्स के साथ कुछ अपडेशन है, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं हमें एक कमर्शियल व्हीकल के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ रूफ रेल्स वगैरह मिल जाते हैं आपको, मैनुअल वाइपर मिलेंगे विद 2 वॉशर। यहाँ पे आपको स्पीड लिमिट दिख रही होगी इसकी, कमर्शियल व्हीकल में 80 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड की यहीं पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिटेड विद स्पीड गवर्नर विद मैक्सिमम हाई स्पीड सेट 80 किलोमीटर पर आवर्स की, मतलब आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर पर घंटे से ऊपर चलेगी नहीं। आप कितना एक्सीलेटर प्रेस कर लो, इसकी स्पीड सेट की हुई है उस जगह पे। यहाँ पे इनोवा की मेंशन किया हुआ है, उन्होंने बैजिंग की हुई है, टोयोटा का लोगो। जो इसकी रेडिएटर ग्रिल है पूरी ब्लैक में मिलेगी, मैट ब्लैक में, और नीचे भी यहाँ ब्लैक बीडिंग टाइप आपको देखने के लिए मिलेगी। कोई फॉग लैंप्स वगैरह नहीं मिलते। लोअर ग्रिल आपको मैट ब्लैक में इसकी मिलेगी, और नीचे वाला जो बम्पर का पार्ट है ये भी पूरा ब्लैक ही देखने के लिए मिलेगा। और वहीं बात करें इसकी हेडलैम्प यूनिट की, तो यहाँ पे आपको LED बेस हेडलैम्प मिलते हैं, डुअल बैरल LED बेस हेडलैम्प हैं। ये आपका पार्किंग लाइट और यहाँ पे इंडिकेटर, DRLs वगैरह में इसमें नहीं मिलते, पार्किंग लाइट मिलती है। और जो इंडिकेटर है वो भी आपका हेडलैम्प यूनिट पे ही प्लेस किया हुआ है। अब आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, तो यहाँ स्टील रिम्स मिलेंगे हमें व्हील कैप के साथ, ब्लैक स्टील रिम्स है। फ्रंट और रियर दोनों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। डोर्स पे जो आप ये पार्ट देख रहे हैं क्लैडिंग का, ये एसेसरीज का पार्ट है। बीडिंग जो देख रहे हैं, लोअर डोर बीडिंग, ये एसेसरीज का पार्ट है। रनिंग बोर्ड भी इसका ब्लैक है, बाकी क्लैडिंग वगैरह का कोई पार्ट हमें डोर्स पे नहीं मिलता, ना फेंडर पे मिलेगा ना डोर पे। ORBM आपका विद इंडिकेटर मिलेंगे, बॉडी कलर और नीचे से ब्लैक है। और ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे, रिएक्टेबल नहीं है। रिएक्टेबल मतलब फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली करने होंगे, बाकी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट मिल जाएंगे। इंडिकेटर मिल जाता है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, ए कलर पिलर बॉडी कलर है, B और C ब्लैक मिलेंगे। रूफ रेल्स मिल जाते हैं ब्लैक, और इनोवा की बैजिंग है ऊपर सिल्वर। यहाँ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है हमें, क्वार्टर पैनल पे ग्लास मिल जाता, कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलता डोर्स पे हमें। टायर साइज की बात करें, 205/65/16 का टायर साइज है इसके अंदर। अब आ जाते हैं गाड़ी के रियर लुक पे, तो पहले लाइट्स ऑन कर लूँ रियर लुक में इसकी। भाई अब आ गया हूँ मैं गाड़ी के रियर लुक पे। यहाँ आप देख लो LED बेस्ड टेल लैंप्स हैं इसके, ये इंडिकेटर है नीचे, इधर आपका रिवर्स लाइट, 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं। बूट गेट तक पार्ट देखने के लिए मिलेगा हमें टेल लैंप का, टोयोटा का लोगो, इनोवा हाई क्रॉस की बैजिंग है यहाँ पे, रिवर्स कैमरा वगैरह तो नहीं है। विंडशील्ड भी प्लेन मिलेगी, वाइपर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका फ्यूल लेड। ये डोर खुला हुआ है शायद इसी वजह से इसे लॉक करने के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बाकी कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह में को ड्राइवर साइड भी नहीं मिलता। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, ये तो हो चुका है पूरा एक्सटीरियर। कुछ इस तरह की मिल जाती है हमें, टोयोटा का लोगो, लॉक और अनलॉक, पीछे से प्लेन है। एक की भी मिल जाएगी इसके अंदर एमरजेंसी के लिए, जिसका यहाँ पे इन्होंने बटन दिया हुआ इस जगह पे। ड्राइवर डोर ओपन कर लेते हैं, तो जैसे ही डोर ओपन करेंगे हम, इंटीरियर पूरा ब्लैक बेस थीम पे इसका पूरा ब्लैक है। यहाँ पे आपका चारों पावर विंडो है, ORBM एडजस्ट करने के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, चाइल्ड लॉक के लिए, डोर ओपनर लॉक अनलॉक का बटन, डोर एक्सेस हैंडल, प्रीमियर जो पैसेंजर ड्राइवर टीम मेंबर्स है हार्ड टच में मिलेगा। स्पीकर की जगह नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाता है आपको, जो कि शाइन कराएगा जब इस पर कोई लाइट वगैरह पड़ेगी तो। सेमी फैब्रिक सीट्स हैं, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन तो नहीं है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पे आपको ब्रेक और एक्सीलेटर, एक डेड पैंडल मिल जाएगा यहाँ पे आपका हेडलाइट हाइट एडजस्ट के लिए। AC वेंट, यहाँ एक कप होल्डर है इस जगह पे, जो कि हमें इनोवा की मैक्सिमम सारी SUVs में देखने के लिए मिलता है, जैसे इनोवा आई क्रॉस वगैरह, इनोवा क्रिस्टा, फॉर्चूनर है, और आपका
हाईलक्स वगैरह में सब में मिलता है। यहाँ ग्लोसी ग्रे ट्रीटमेंट मिलेगा इस इवेंट पे, और अंदर भी थोड़ा ग्रे मिलेगा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब इंटीरियर में आ चुका हूँ तो स्टार्ट करेंगे स्टेयरिंग। सर स्टेयरिंग पे कोई हमें रैप वगैरह नहीं मिलता, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे है। स्टेयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ऑफर किया जाता है बेस वेरियंट के अंदर भी। तो ये तो हो चुकी स्टेयरिंग एडजस्टमेंट। थ्री स्पोक में स्टेयरिंग है, ये ग्लोसी ग्रे मिलेगा, टोयोटा का लोगो। टोटल दो एयरबैग मिल जाते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर। हेडलैम्प ऑटो मिलेंगे हमें, वाइपर मैनुअल मिलेंगे। यहाँ पे स्टेयरिंग दिखा देता हूँ आपको। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह का मिल जाता है। स्पीड एनालॉग है, आरपीएम एनालॉग है। एक बार इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इस जगह पे मिलता है, मैं इसे प्रेस कर देता हूँ। एसेसरीज मोड पे ऑन कर लेते हैं इसको। ये ऑटो हेडलैम्प ऑन हो गए। तो यहाँ पे आरपीएम आपके एनालॉग, स्पीड मीटर एनालॉग, जो सीट बेल्ट हैं सारी सीट बेल्ट की नोटिफिकेशन आ रही है यहाँ पे। अगर एक भी सीट बेल्ट नहीं लगी होगी तो यहाँ लाल सारे पॉइंट्स हुए रहेंगे। और फीचर्स की बात करें इसमें हमें ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह मिल जाता है। छोटी सी एमआईडी दी हुई है, इधर इंजन टेम्परेचर गेज है, यहाँ पे फ्यूल गेज मिल जाता है इस जगह पे। बाकी कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें मिलता है। काफी अच्छा लग रहा है देखने में कमर्शियल व्हीकल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाते हैं इस जगह पे, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड भी आता। म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता हमें बेस वेरिएंट के अंदर, जीएक्स के अंदर। यहाँ पे आपको जगह मिलेगी, आप पॉपअप जगह दी हुई है पॉपअप डिस्प्ले वगैरह के लिए। टूडिन लगवाइए या टच लगवाइए, ये पूरा पॉपअप आपको बन जाएगा। ये भी बदल जाता आफ्टर मार्केट, ग्लोसी में लगवा सकते हैं ब्लैक में। यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट मिल जाता है इस जगह पे। एसी वेंट, सराउंडिंग ग्रे का ट्रीटमेंट मिलेगा, हजार्ड लाइट का बटन। यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जहाँ पे आपका एसी का काम करेंगे सारे कंट्रोल्स। एसी मैनुअल है इसके अंदर, एसी मोड्स वगैरह सारे यहीं पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका गियर लीवर हमें टॉप से बेस से लेकर टॉप में कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। गियर लीवर में कोई चेंजेस नहीं मिलते इसमें। यहाँ पे इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स, ऑटो होल्ड का फीचर, यहाँ पे आपका इको मोड पे चलाने के लिए, और ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ इसमें यहाँ दिया गया है। ये इको मोड भी इस पे मिल जाता है, इको मोड पे अब ड्राइव करेंगे माइलेज के लिए। ये ऑटो होल्ड हो गया। यहाँ पे टाइप सी दो चार्जिंग पॉइंट है, टू कप होल्डर्स, कुछ इस तरह का आर्मरेस्ट मिलेगा विद स्टोरेज। आर्मरेस्ट में कुछ इस तरह का स्टोरेज मिल जाएगा हमें। देखिए जैसे आर्मरेस्ट खोलेंगे स्टोरेज काफी अच्छी मिल जाती है। यहाँ भी थोड़ा स्पेस मिल जाता है ग्लोब बॉक्स के ऊपर, और ग्लोब बॉक्स में आप देखेंगे तो कुछ स्टोरेज मिल जाती है ठीक ठाक। बाकी यहाँ से फ्रंट देख सकते हैं, ऊपर आएंगे यहाँ पे मैनुअल डिमिंग IRBMs है। यहाँ लाइट मिल जाएंगी येल्लो, ये पूरा ब्लैक मिलेगा। डोर अकॉर्डिंग आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इसे। इधर कोई वेंट मिरर वगैरह नहीं है सनवाइजर में, और इधर आपको ये भी प्लेन मिलेगा। यहाँ पे माइक मिल जाता है फोन स्ट्रीमिंग के लिए, जब आप ब्लूटूथ के थ्रू यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगवा लेंगे तो ब्लूटूथ के थ्रू फोन कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं आपके आवाज जाने के लिए। ड्राइवर साइड भी ग्रैब हैंडल है, को ड्राइवर साइड भी आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। मतलब चारों सातों सीट्स पे हमें ऑटो पैसेंजर्स के लिए ग्रैब हैंडल्स है, कॉर्नर वालों के लिए पैसेंजर पे भी और थर्ड रो में भी। अब चलते हैं हम एक बार पैसेंजर सेकंड रो में, थर्ड रो भी देखेंगे इसकी। डोर कर लेते हैं भाई ओपन, लाइट कर देते हैं ऑफ, और यहाँ से आ चुके हैं हम पैसेंजर डोर पे। पैसेंजर डोर ओपन करेंगे पूरा ब्लैक में, वही इंटीरियर है जो मैंने आपको बताया था। बट डोर ओपनर गार्निश में है, लॉक अनलॉक का ये ग्लास अप डाउन करने के लिए। पैसेंजर ट्री में हमारा शार्ट टच में मिलेगा स्पीकर, नीचे पडल रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, लाइट नहीं है। यहाँ पे आपको तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 60-40 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा थर्ड रो में जाने के लिए। सीट बेल्ट्स मिल जाएंगी तीनों पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे आपका एसी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे रियर कूलर के लिए। ये मतलब यहाँ से आप अपना स्पीड वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ चार्जिंग पॉइंट टाइप सी दो पीछे भी मिल जाएंगे। एसी वेंट्स यहाँ मिलते हैं सेकेंड रो के लिए, यहाँ लाइट भी मिल जाती है हमें सेकेंड रो में, और ये आपके थर्ड रो के लिए एसी वेंट है। ये सेकेंड रो के लिए, ये थर्ड रो के लिए यहाँ पे, और सीट बेल्ट ऊपर दी हुई है। और पीछे भी इसमें चलते हैं, एक बार दिखाता हूँ आपको, लाइट पहले बंद कर दूँ इसकी, पहले बूट स्पेस देख लेते हैं। तो बूट स्पेस हमें कुछ इस तरह का मिल जाता है इसमें। यहाँ आप अपना लैपटॉप पिट्टू बैग वगैरह काफ़ी कैरी कर सकते हैं, और 7 सीटर्स के अकॉर्डिंग तो अच्छा स्पेस मिल जाता है हमें इसमें। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हेडरेस्ट मिल जाता है, जैसे इनोवा क्रिस्टा में मिलता है स्टार्टिंग से। पीछे भी टोटल तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और अगर आप ये सीट फोल्ड कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से
तो बूट स्पेस आपका एक्सटेंड हो जाएगा। पीछे भी टू कप होल्डर्स हैं दोनों तरफ, और 12 वोल्ट का एक आउटपुट भी दिया हुआ है, ये रहा इस जगह पे। तो ये आपका थर्ड रो हो गई। तो भाई ये था आपका इनोवा हाई क्रॉस कमर्शियल GX 8 सीटर का इंटीरियर एक्सटीरियर। इंजन स्पेसिफिकेशन में कोई फर्क नहीं है, फिर भी मैं डिस्प्ले पे डाल देता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, गाड़ी कैसी लगी कमेंट में बताना, आपका इस गाड़ी के बारे में क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।